Now, let's see. So, general reaction number two, where unsymmetrical ether is used, ROR dash, where it undergoes hydrolysis in the presence of dilute H2SO4, H plus, what it gives? Again, it will give you alcohol. Check this. But it will give you two different kind of alcohol, ROH plus R dash OH. All depends on the nature of alkyl group कि उनका degree क्या होगा. यहाँ पे degree direct specify नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है. Example अगर आप ले लो methyl alcohol and ethyl alcohol, CH3OC2H5 बराबर plus water. You are adding water, acidic medium. What you will get? Come on, tell me. ये हो जाएगा आपका मिथाइल अल्कोहल बराबर और ये हो जाएगा आपका इथाइल अल्कोहल CH3OH along with C2H5OH. क्लियर. तो दिस आर द सर्टेन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. ये कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस किए अल्कोहल के रिलेटेड. ठीक है. अब कुछ अल्कोहल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं. जैसे ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ अल्कोहल. फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कंसिडर किया जाता है बराबर. यू नो वेरी वेल कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वॉटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वॉटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपको नहीं पता होगा ना, तो आप मुझे लाइव लेक्चर में इसके बारे में पूछ लेना ध्यान से. ठीक है. अब यहां पे मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकता है, इफ इट इज कैपेबल टू गिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, तो इट विल बी सॉल्युबल इन वॉटर. वी से अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वॉटर. सॉल्युबिलिटी जो है ना, बराबर फिजिकल प्रॉपर्टीज में हेडिंग डाल देना फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्युबिलिटी, तो वहां पर लिखना कि अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वॉटर. बराबर. वी ऑल नो वेरी वेल कि अल्कोहल इज मिसिबल, इथाइल अल्कोहल इज मिसिबल विथ वॉटर. ठीक है. लिक्विड होता है तो हम लोग मिसिबल वर्ड यूज करते हैं, सॉलिड होता है तो हम लोग सॉल्युबल वर्ड यूज करते हैं. यहाँ पे जो एक्चुअल वर्ड होना चाहिए मिसिबल होना चाहिए, अल्कोहल इज मिसिबल इन वॉटर. उसका रीजन क्या है कि अल्कोहल इज कैपेबल टू गिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे सकता है तो डेफिनेटली वो सॉल्युबल होगा. बराबर. अब जैसे आप अल्केन की बात करो तो अल्केन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देता. आप ईथर की बात करो, ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देता. अल्डिहाइड की बात करो, अल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देता. कीटोन की बात करो, कीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देता. तो दिस आर इनसॉल्युबल. बराबर. बट अल्कोहल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH बराबर, इट इज एबल टू गिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड दैट इज वाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है. बराबर. जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अल्कोहल के मोलार मास के बराबर बाकी अल्डिहाइड का कंपाउंड, कीटोन का कंपाउंड, अल्केन का कंपाउंड, ईथर का कंपाउंड कंपेयर करूं ना, तो उसमें अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा आएगा. बराबर. रीजन क्या है कि अल्कोहल आपस में भी मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. ठीक है. एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट, their boiling point increases with increase in number of carbon. बराबर. उनमें जैसा जैसा number of carbon बढ़ता जाएगा ना, वैसा वैसा boiling point बढ़ता जाता है. जैसे मान लीजिए propane one all हो गया. बराबर. ये मान लीजिए butane one all हो गया. ये मान लीजिए pentane one all हो गया. तो अगर मैं इनमें compare करूं तो pentane one all का boiling point butane one all और propane one all से ज्यादा होगा. बराबर. बट जैसा जैसा branching बढ़ेगा फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन, ब्रांचिंग में भी रूल है सेम नंबर ऑफ कार्बन के लिए, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ब्रांचिंग में मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस देन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. बराबर. जैसे आप मान लीजिए कंपेयर कर रहे ब्यूटेन वन ऑल. बराबर. इवन इफ ब्यूटेन वन ऑल एंड ब्यूटेन टू ऑल कंपेयर्ड ना, तो एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि ब्यूटेन वन ऑल हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन टू ऑल. बराबर. तो टू मिथाइल टू प्रोपेनॉल ऐसे आएगा. वेंडरवॉल फोर्सेस रीजन होंगे, सरफेस एरिया इसका रीजन होगा. बराबर. ऐसे सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है एक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में. क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप सुनना ध्यान से.
ठीक है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो यू कैन रेफर इट फ्रॉम पेज नंबर 326। ठीक है, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं उनके लिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन दिए अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, पेंटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, प्रोपेन वन ऑल, इथेनॉल, मिथेनॉल, क्या आंसर बोलोगे? ये कंपाउंड दिया है, शायद मैंने उनको एक ही ऑर्डर में लिख दिया, तो नो डाउट ये फाइव कार्बन का अल्कोहल विल बी ग्रेटेस्ट, ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन टू ऑल में ब्यूटेन वन ऑल ज्यादा होगा, फिर ब्यूटेन टू ऑल होगा, फिर प्रोपेन वन ऑल होगा, फिर इथेनॉल होगा, फिर मिथेनॉल होगा, व्हाट यू गाइस से? यस और नो? आया बात समझ में? मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, मिथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन वन ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन वन ऑल, पेंटेन वन ऑल, आया समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? एक और क्वेश्चन देख लो, या फिर ठीक है ये आप समझ ही गए ना, ब्रांचिंग वाला, बराबर। तो ये दो मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है। सो इट्स ऑल फ्रॉम मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। मैं आपको ये चैप्टर कैसे पढ़ाऊंगा, पहले मैं पूरा अल्कोहल बताऊंगा, फिर फेनॉल, और उसके बाद विल प्रोसीड टू ईथर पार्ट, ठीक है, क्लियर। तो हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल का खत्म कर दिया, अब अगली क्लास में विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।